नमस्कार, स्वागत है आपका INN 24 पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। देश भर में महाशिवरात्रि की धूम, मंदिरों में उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब, बोलबम के नारों से गूंज उठे शिवालय। बिहार के बेतिया में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, दवा दुकान जलकर खाक, पुलिस जांच में जुटी। झारखंड में नहीं थम रहा महिलाओं के खिलाफ अपराध, कोडरमा रेलवे स्टेशन में सैनिक की पत्नी से छेड़छाड़, विरोध करने पर जवान की पिटाई। और झारखंड में अपराधियों के हौसले बुलंद, गुमला में एक फेरी वाले को गोली मारकर लूटे नकदी पैसे, घायल अस्पताल दाखिल। डिजिटल दुनिया के इस जमाने में कई पौराणिक चीजें पीछे छूटती चली जा रही हैं। उन्हीं में से शामिल है हमारे हास्य कवियों की कला, जिनकी कविताओं से सभी को गुदगुदी हो जाती थी, तो किसी कविताओं से गंभीर बातों को हंसते हंसते कवियों के द्वारा बोल दिया जाता था। आज उन्हीं कलाओं को सहेजने के लिए झारखंड के गुमला जैसे छोटे से जिले में हास्य कवियों का सम्मेलन आयोजित की गई। गुमला के नगर भवन आयोजित वासंतिक काव्योत्सव में देश के कई राज्यों के कवियों ने भाग लिया, जहां उन्हें सुनने के लिए गुमला की जनता नगर भवन में जुटे थे। श्रोताओं से भरे भीड़ में जब कवियों ने बारी बारी से अपनी अपनी कविताएं सुनाने शुरू की तो श्रोता भी झूम उठे। कवियों का साथ श्रोताओं ने भी जमकर दिया। जहां हास्य कवि में लोग जमकर ठहाके लगाए, वहीं आज देश के जवान आतंकवादियों के हमले में मारे जा रहे हैं, जिस पर देश के अंदर ही हो रही राजनीति पर कटाक्ष करते हुए कवियों ने गंभीर कविताएं सुनाए तो श्रोताओं ने भी भारत माता की जय के नारे भी लगाए। अच्छा, हमारे मनमोहन सिंह जी, उनको चार भाषाओं की जानकारी है साहब, पर वो किसी भाषा में बोलते नहीं थे। ईमानदारी की बात करता हूँ साहब, उनको चार भाषाओं की जानकारी थी पर वो किसी भाषा में बोलते नहीं थे। वो बोलते नहीं थे, अब की वाला तो चुप ही नहीं होता है। पाकिस्तान का अगर कोई कुछ बिगाड़ सकता है, उसे उजाड़ सकता है, तो वो सिर्फ राहुल गांधी है। सिर्फ वही बर्बाद कर सकता है पाकिस्तान को साहब, जिसने 32 साल पुरानी सपा उखाड़ दी, 24 साल पुरानी बसपा उखाड़ दी, 125 साल पुरानी कांग्रेस उखाड़ दी। मेरे कद का अंदाजा तुम क्या लगाओगे? मुझे तो मेरी माँ ने हथेली पर उठाया है। ये जादू मंत्र नजर गुजर तुम जानो, ये जादू मंत्र नजर गुजर तुम जानो। मुझे तो माँ ने काजल का टीका लगाया है, मुझे तो माँ ने काजल का टीका लगाया है। और माँ तो माँ होती है मित्रों, कि कारगिल के वीर शहीदों के खून का रंग बताते हो, जिनके खून में गंगा बहती थी उनका मजहब समझाते हो, जिनके खून में गंगा बहती थी उनका मजहब समझाते हो। अरे मजहब का मतलब ही चोला तो गीदड़ ओढ़ा करते हैं, मजहब का मतलब ही चोला तो गीदड़ ओढ़ा करते हैं। शेरनी की कोख से पैदा होते हैं जो तिरंगे में लिपटा करते हैं। हिंदू धर्म में शिवरात्रि का एक विशेष ही महत्व है, लेकिन उसमें भी फागुन माह के शिवरात्रि का एक अलग ही मान्यता है। इसे महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि आज ही भगवान शिव का देवी पार्वती के साथ विवाह हुआ था। प्राचीन काल से ही इस पर्व को खास तौर पर विशेषकर महिलाएं ज्यादा उत्सुकता से मनाती हैं। एक मान्यता यह भी है कि इस व्रत को करने से विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सौभाग्य के लिए करती हैं। आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर हर देव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। बिहार के रोहतास जिले में कई प्राचीन शिवधाम हैं, लेकिन उसमें विशेषकर कस्तर महादेव और विंध्य के गुफा में अवस्थित गुफा धाम का एक अलग ही महत्व है। हजारों की संख्या में इन दोनों स्थानों पर श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। लोग अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा अर्चना करते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि हर साल इस मेले में काफी भक्त आते हैं। सरकारी ठेके भी होता है, लेकिन सरकारी स्तर पर कोई भी विकास का कार्य नहीं होता है। जो भी यह होता है वह ग्रामीण एवं मंदिर में आए दान से होता है। महादेव तो जब यहाँ प्रचलित भक्त महादेव जुड़ गुज अभी जंगल रहे तहिजा बुजुर्ग जिसे पहले बार ओकरे मुताबिक तो उनमें हर लोग चलावत रहे तो ओकरा में एगो दागी बाटे जोना पकड़ लागल फार तो सौसे ही खून से भर गुज वही घड़ी कोई बाहर से आके पंडित करा के सपना सपना कैला के बाद में ही प्रचलित हो गए। जैसे ब्रह्मपुर चाहे
बाबा गुप्ता धाम बा वही ओसे पहले के एक संस्था है। कोई भी श्रद्धा से आवेला ओकर इच्छा पूर्ति हो मान्यता इसलिए है कि ये कष्ट को हरने वाले हरण करने वाले इनका कष्ट हर नाम पूरा था कष्टर महादेव ऐसा का नाम इनका रखा गया है जगेश्वर महादेव लेकिन प्राचीन काल का नाम जो है सो कष्टहर है और उसी नाम से कष्ट को हरण करने वाले हैं ये शिवलिंग और इनकी उत्पत्ति उस समय से हुई और पूजा अर्चना होने लगी जिससे कि इनका विश्वास और आगे आस्था के रूप में बढ़ गया। कार्य स्तर पर सरकारी स्तर पर यही व्यवस्था है कि कोई प्रखंड बिहार के बक्सर में यूपी नंबर के बुलेरो ने सब्जी की दुकान पर बैठे बालक को टक्कर मार दी। भागने के क्रम में गाड़ी संतुलन खो दुर्घटना का शिकार हो गई। वहीं लोग पहुंचे तो देखा अंदर शराब की बोतलें भरी हैं। यह वाकया मुरार थाना के कुरान सराय ब्रह्मपुर पथ पर चौगाई में हुआ। चालक को ग्रामीणों के मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं बुलेरो के धक्के से घायल मनीष की हालत गंभीर है, उसे बेहतर उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर वाराणसी ले जाया गया है। गाड़ी के पिछले हिस्से में चादर के नीचे गुप्त तहखाना बना था जिसमें 180 ml की 2000 से ज्यादा बोतलें बरामद की गई। लोगों की माने तो दूसरा शराब तस्कर बैग लेकर भागने में सफल रहा। पुलिस इस मामले को बताने से परहेज कर रही है और कहीं न कहीं शराब तस्करी के मामले में पुलिस अपने फायदे के चक्कर में है। बिहार में शेखपुरा सदर थाना क्षेत्र के गिरहिंडा पहाड़ पर 300 वर्ष पूर्व भीम द्वारा स्थापित की गई बैजनाथ की शिवलिंग पर पूजा अर्चना किए जाने को लेकर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। यह कार्यक्रम महाशिवरात्रि को लेकर रहा। मंदिर के पुजारी ने कहा कि महाशिवरात्रि को लेकर तैयारी की जा रही है जिसमें प्रशासनिक किसी भी प्रकार का कोई सहयोग अभी तक नहीं किया गया है। वहीं मंदिर के पुजारी ने इस प्राचीन धरोहर के बारे में बताते हुए कहा कि यहां शिवलिंग स्थापित किए जाने के बाद सबसे पहले पहाड़ पर आकर यहां के शिवलिंग पर पूजा करने वाले व्यक्ति लाला थे, तभी से यहां दूर दराज के लोग आकर पूजा पाठ करना शुरू किए हैं और आज तक इस परंपरा को किया जा रहा है। वहीं महाशिवरात्रि को लेकर शेखपुरा टाउन थाने में भी भगवान भोले के शिवलिंग पर श्रद्धालुओं के द्वारा जलाभिषेक किया जा रहा है और कई जगहों पर मंदिरों में पूजा अर्चना किया गया। वहीं थाने में भव्य कार्यक्रम का आज रात्रि में आयोजन किया जाएगा। ये बहुत पौराणिक चीज है, आज लगभग 250 वर्ष पहले लाला जी थे जिनका कामेश्वरी लाल नाम था, वो प्रथम पूजा किए थे। लेकिन इससे पहले महाभारत में भी चर्चा आया है कि भीम द्वारा भीम इधर अज्ञातवास में आए थे तो लोग का अनुमान है कि भीम ही स्थापित किए थे। तो दो कारण हो गए, एक तो भीम द्वारा स्थापित है, दूसरा लाला जी देखे पहाड़ पर आए तो पूजा किए और तब से मतलब पूजा पाठ शुरू हो गया है। जब 250 वर्ष पहले की बात है, 300 वर्ष पहले की बात है, तब से पूजा पाठ हो रहा है। मनोकामना लोग मांगते हैं अपना, जो भी भक्त आते हैं मनोकामना पूर्ण होता है मनोकामना, और जब मनोकामना पूर्ण होता है तो पाठ बाई पाठ यहाँ काम होता है। मंदिर पर जितना है सब दान का चीज़ है और नीचे जो है दान के बाद नीचे जो है सरकारी फंड से वो सब बनना। कल जो मेला रहेगा ना उसमें 4-5 हज़ार आदमी रहेंगे। व्यवस्था ही सजावट हुआ है, बराती निकलेगा, बराती होने के बाद फिर रात में यहाँ के विवाह उत्सव मनाया जाएगा। प्रशासनिक कोई व्यवस्था यहाँ प्रशासनिक कोई व्यवस्था नहीं। सोमवार देर शाम जमुआ कोडरमा पथ सिबुडी के पास ग्रामीणों ने एक भटके हुए चीतल को पकड़ा। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर जमुआ वन विभाग के वनपाल कुलदीप शर्मा ने अपने अधीनस्थ सिपाहियों द्वारा उसे अपने कब्जे में ले जमुआ वन रोपण परिसर में सुरक्षित ले आए। चीतल को देखने के लिए देर रात तक स्थानीय लोगों की भीड़ जमुआ वन रोपण कार्यालय परिसर में लगी रही। इस संबंध में जमुआ वनरोपण पदाधिकारी दिग्विजय सिंह ने कहा कि संभावना यह है कि यह चीतल कोडरमा हजारीबाग के जंगलों से रास्ता भटककर इधर आ गया होगा, जिसे ग्रामीणों ने पकड़ रखा था। सूचना मिलने पर वनपाल कुलदीप शर्मा ने विभाग के सिपाहियों की मदद से चीतल को सुरक्षित जमुआ ले आए। वरीय पदाधिकारियों को सूचना दी गई है, पदाधिकारीगण जैसा निर्देश देंगे चीतल को रांची हजारीबाग या कोडरमा पहुँचा दिया जाएगा। चीतल कहीं से जंगल से बिछड़ के आ गया था इधर बस्ती के तरफ सीवूडी में, ग्रामीण लोग उसको पकड़ के रखे थे तो सूचना हुई तो हम फॉरेस्टर साहब को भेजे, फॉरेस्टर साहब कुलदीप शर्मा उसको पकड़ के लेके आए हैं। हम लोग इसकी सूचना जो है बड़ी पदाधिकारी DFO साहब के माध्यम से बड़े पदाधिकारी को दी हैं, वहाँ से जो निर्देश प्राप्त होगा उसके अलग में या तो हम लोग उसको रांची पहुँचाएंगे या तो फिर अभ्यारण्य जो है उसका हजारीबाग वाइल्ड लाइफ के बारे में जहाँ जहाँ निर्देश प्राप्त होगा वहाँ जाकर उनको दे आएंगे।
बिहार के गौनाहा प्रखंड अंतर्गत अवैध रूप से संचालित झोला छाप फर्जी डॉक्टरों एवं अवैध नर्सिंग होम संचालकों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश सिविल सर्जन जिला अस्पताल प्रशासन की ओर से पत्र के माध्यम से सभी प्रखंड पीएचसी प्रभारियों को दिया गया। उसके बाद भी रेफरल अस्पताल गौनाहा से मात्र 500 मीटर की दूरी पर एक डॉक्टर झोला छाप फर्जी जो अवैध रूप से नर्सिंग होम चलाता है, इतना ही नहीं बेखौफ होकर महिलाओं का ऑपरेशन भी करता है, वही महिलाओं की जान से खेला जा रहा है। मगर अस्पताल के चिकित्सक मुखदर्शक बने हुए हैं। वही मरीजों का कहना है कि सरकारी अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है, उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि बाहर जाकर अपना ऑपरेशन करा सकें, इसलिए जिंदगी दांव पर लगाकर अपना ऑपरेशन कराते हैं, यह जानते हुए कि इनके पास कोई डिग्री नहीं है, जबकि यह नर्सिंग होम उमेश शाह के मकान में चलाई जाती है। टोटल अवैध अनपढ़ जाहिल कहीं से कंपाउंडरी करके, कंपाउंडरी भी ठीक से नहीं किया है, आके सर्जरी कर रहा है। अभी हमारे पास एक हर्निया का बिगड़ा हुआ है ना, कहाँ ऑपरेशन कर लिया तो मनी टोला में, इतना बड़ा लंप बना हुआ है, अब उसको 20-25 हजार रुपए खर्चा में पड़ेगा वो। आई प्रशासन जो है ना पिट्ठू है, इनका चमचा है। हम बोले हमने के गवना घर हो, अच्छा और से मदद के लग हमने के प्राइवेट में ऑपरेशन कराया। डॉक्टर कौन है, सरकारी है कि प्राइवेट है? प्राइवेट। कितना रुपया लिया है? हम पैसा नहीं दिया है। कितना रुपया मांगे थे? अब उन कुछ के बात नहीं बोलूँ, खाली ऑपरेशन को के अभी जा रहा है। नर्सिंग होम चलेबे नहीं करते। आपके अभी अभी बयान लिया गया, अभी 3 मरीज अभी आपके हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया हुआ। उसको पूछे हैं कभी का ऑपरेशन हुआ जी? किसी भी चीज का ऑपरेशन आपके नर्सिंग होम में हुआ है? ड्रेसिंग वगैरह की? ड्रेसिंग नहीं, उसने ये कहा है कि मेरा झोला छाप जो डॉक्टर और अवैध जो नर्सिंग होम यहाँ चलाए जा रहे हैं, उसके संबंध में आपका क्या कहना है? जो भी झोला छाप या जो बिना लाइसेंस के काम कर रहे हैं नर्सिंग होम में, तो हम लोग उनको चिन्हित करेंगे। हमको अभी तक शिकायत नहीं आई है, शिकायत आज मिलती है, जांच करवाते हैं, चिन्हित करने के बाद जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी की जाएगी। गुमला में झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा के प्रति कितनी गंभीर है, अगर इसे नजदीक से देखना हो तो आप गुमला जिले के सिसई प्रखंड क्षेत्र के मुर्गू गांव आ जाइए। ये वही गांव है जहां से झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष सह स्थानीय विधायक डॉक्टर दिनेश उराव रहने वाले हैं। बावजूद इसके इस गांव में जो 10+2 स्कूल है, वही के स्कूली छात्रों को जमीन में बैठ कर पढ़ना पड़ता है, जबकि कुछ छात्र छात्राओं अपने घरों से बोरा लाकर बैठते हैं। इस स्कूल में पढ़ने के लिए आने वाले बच्चों का कहना है कि उन्हें यहां जमीन पर बैठना पड़ता है, जिसके कारण पढ़ने में काफी असुविधा होती है। बच्चों ने बताया कि इस स्कूल में ना तो शौचालय है और ना ही पानी पीने के लिए बोरवेल की सुविधा है, यहां तक कि विद्यालय का चारदीवारी भी नहीं है, जिसके चलते उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। खासकर इस विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को कई तरह की परेशानियों से जूझना पड़ता है। हम लोग का स्कूल में बेंच सब कुछ नहीं है, बैठने के लिए बहुत कठिनाई होती है और टेबल सब कुछ नहीं है और शौचालय भी बहुत गंदा है, हाँ पढ़ने में बहुत काफ़ी दिक्कत होती है। जमीन पर ही बैठ के पढ़ते हैं आप लोग? हाँ जमीन पर बैठ के पढ़ते हैं। हमारे विद्यालय में शौचालय का सुविधा नहीं है, इसलिए हम लोग को बाहर जाना पड़ता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम लोग का शौचालय जल्द ही अच्छा हो जाए। हम लोगों बाहर जाते हैं तो बहुत कठिनाई भी होती है, परेशान है, क्योंकि लड़की लोगों को तो बाहर जाने में बहुत ही कठिनाई होती है। हमारे यहाँ स्कूल की सुविधा अच्छी नहीं है, जिस कारण हमें बहुत कठिनाई हो रही है। हमारे स्कूल में बाथरूम अच्छे नहीं है और हमें बाहर शौच करने के लिए जाना पड़ रहा है। हमारे स्कूल की खिड़की दरवाजे टूटे फूटे हैं, जिस कारण बारिश के मौसम में पानी अंदर घुस जाता है, जिससे हमें तकलीफ होती है। हमारे स्कूल का जो सामान है उसे हमें दूसरे स्कूल पर ले जाना पड़ता है, उसे रखना पड़ता है, जिससे हमें पढ़ने में भी दिक्कत होती है और टाइम का वेस्ट होता है। क्लास में बहुत सारी समस्याएं हैं, हमारे लिए बैठने के लिए बेंच डेस्क नहीं है, हम लोग को घर से बोरा लेके आना पड़ता है बैठने के लिए, और इस क्लास में दरवाज़ा खिड़की अच्छे से नहीं है, और हम लोग के लिए पीने के लिए चापाकल अच्छा नहीं है, फिर हम लोग को परेशानी होती है। जिस हालत में यह विद्यालय है, वह विद्यालय को देख के ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ विद्यालय चलता होगा। बच्चे किस परिस्थिति में आते हैं, यहाँ बैठते हैं, सरकार की यह घोषणा रहती है कि बच्चे जमीन में न बैठें, लेकिन यहाँ का ऐसा परिस्थिति है
कोई भी यहाँ का बात को नहीं सुनता है। और बात रही कि क्या करें, हम लोग जितना कुछ करना होता है उतना तो कर ही रहे हैं। बच्चे घर से बोरा लेकर आते हैं और ज़मीन में बैठते हैं, यहाँ तक कि हम लोग के विद्यालय में एक भी कमरा सही नहीं है। और कमरा सही नहीं है इसलिए जो भी विद्यालय का कागजात है उस कागजात को दूसरे विद्यालय में ले जाकर रखते हैं। तो ये समय जो है, इससे समय भी व्यतीत होता है और पढ़ाई में भी बाधित होती है। क्या है ना कि मुर्गू गांव, आप भी जानते होंगे कि इस गांव का जो सामाजिक परिवेश है, हम तो यहाँ पढ़े लिखे और आप अपने हमारे उद्बोधन में भी सुनाएंगे तो आपकी काफ़ी लंबे समय तक शिक्षक है, तो निश्चित रूप से इस गांव का मिट्टी रग रग से हम परिचित हैं और इसमें जो भी कमी बेसी है वो हमसे छिपा हुआ नहीं है। विद्यालय का विकास होगा और विद्यालय के विकास के लिए मुझे अपने स्तर से जो भी प्रयास करना होगा मैं सकारात्मक रूप से प्रयास करूँगा। और मैं आप लोगों के माध्यम से विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने विषम परिस्थिति में भी विद्यालय में प्रथम पाठन को सुचारू रूप से चला रहा है। आने वाला समय में निश्चित रूप से इसकी जो आधारभूत संरचना है विकास होगा और एक अच्छे विद्यालय के रूप में हम लोग उसको स्थापित करेंगे। बिहार के समस्तीपुर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा में मशरूम की खेती को बढ़ावा देने को लेकर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में सुदूर देहात इलाके के लोगों को बुलाया गया, जिसमें जमुई कैमूर बांका क्षेत्र के आदिवासी महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। बिना जमीन के खेती करने का नया तरीका सिखाने के लिए इस कार्यशाला में लाया गया है। इसका उद्घाटन बिहार सरकार के फूड प्रोडक्शन कमिश्नर के सिंह एवं आर सी श्रीवास्तव, वाइस चांसलर डॉक्टर वी पी शर्मा, डायरेक्टर डी एम आर सोलन डॉक्टर मंजीत सिंह, फॉर्मर डायरेक्टर डीएमआर सोलन डॉक्टर मिथिलेश कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर विधिवत इसका उद्घाटन किया। कार्यशाला में आए वैज्ञानिक एवं अधिकारियों ने मशरूम से बने सामानों का महिलाओं के द्वारा लगाए गए स्टॉलों का जायजा लिया। इस कार्यशाला में मशरूम की खेती करने को लेकर महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए आयोजित की गई है। मशरूम एक औद्योगिक का रूप ले और इसका व्यवसायीकरण हो, बाजारों में इसकी बिक्री तेज हो, इसको लेकर भी चर्चा की गई। मशरूम पर यहाँ काफ़ी अच्छा काम हो रहा है विश्वविद्यालय के द्वारा और इनकी जो फैकल्टी है डॉक्टर दयाराम जी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। हम सबने डिसीजन ये लिया है कि हमारा हार्टिकल्चर मिशन में डायरेक्टर हार्टिकल्चर और यहाँ के जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर दयाराम जी, उनके को चेयरमैनशिप में कमेटी बनाएंगे जो रिकमेंड करेंगे क्या क्या बिहार सरकार को मशरूम के विकास के लिए और काम करना चाहिए, उसके आधार पर बिहार सरकार कार्रवाई करेगी। मार्केटिंग के बारे में हमने सुझाव दिया है कि इन लोगों का एसोसिएशन या फेडरेशन बनाएं जिससे उनके सलाह लाकर कैसे मार्केटिंग बेहतर तरीके से किया जा सकता है, उसके बारे में हम विचार करेंगे। संभावनाएं तो आप जैसा जान रहे हैं कि पहले बहुत कम था, अभी 3000 मैट्रिक टन का बिहार में प्रोडक्शन हो रहा है। इसके लिए ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, तो हम तो छोटे दो तीन साल से ही हम कर रहे हैं, हम एक छोटे से रूम में ही किए हैं। ये ओस्टर मशरूम के लिए भूसा उबाल के करते हैं और बीज यहीं से हम सर से लेकर किए हैं। आमदनी तो इसमें एक केजी हम बेचते हैं 150 रुपये किलो बिक जाती है और सस्ता ये कम लागत में ही लगा देते हैं। शराबबंदी के बाद गुंडागर्दी भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। बिहार में हरनौत थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव में दबंगों ने नाबालिग बच्चे को शराब नहीं लाने पर बेरहमी से पिटाई कर दी। पीड़ित सोनू ने बताया कि उनके ही गांव के दबंग श्याम किशोर सिंह ने उसे शराब लाने को कहा। बच्चे के द्वारा शराब नहीं लाने पर पहले गले में रस्सी बांध कर खींचते हुए ले जाया गया और बाद में जमकर पिटाई की। घटना से आक्रोशित होकर परिजनों ने स्थानीय थाने में आवेदन दिया है, जिसमें श्याम किशोर सिंह एवं उसका पुत्र विकास कुमार पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि घटना को लेकर पीड़ित के द्वारा थाने में आवेदन दी गई है, जिस पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच पहले से ही विवाद रहा है। हम वहाँ पर खेल रहे थे, अखंड हो रहा था, उसके बगल में तो वो आया और कहा कि दारू लेकर आओ, वहाँ पर बथान पर है, जाके तुम ले आओ बस। तो हम नहीं गए तो वो हमको पकड़ के मारने लगा और गला में रस्सी बांध के तीरते ले गया और घर पे बांध के मारा को।
बिहार में पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज के भगवती सिनेमा रोड स्थित आयुर्वेदिक औषधि के दुकान में आग लग जाने से लाखों रुपए की क्षति हुई है। आग से दवा दुकान पूरी जलकर खाक हो चुकी है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि बुझाना मुश्किल था। मौके पर फायर ब्रिगेड को आना पड़ा। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकान मालिक का कहना है कि आग लगने का कारण बिजली विभाग का लापरवाही है, क्योंकि बाहर इतना सारा तार फैला है जिसके कारण शॉर्ट सर्किट से यह हादसा हुआ। पत्नी के साथ छेड़छाड़ का विरोध करना महंगा पड़ा। सेना के जवान की पिटाई कर दी गई। यह घटना झारखंड के कोडरमा स्टेशन की है, जहां आर्मी का एक जवान अपनी पत्नी और नवजात बच्चे के साथ सियालदह एक्सप्रेस ट्रेन का इंतजार कर रहा था। दरअसल सेना का जवान लखनऊ में पदस्थापित है, जहां वह जा रहा था। स्टेशन पर मौजूद कुछ वर्दीधारी सिपाही जवान की पत्नी को बुरी नजर से देख रहे थे और छींटाकशी कर रहे थे। जवान ने जब इसका विरोध किया तो इसकी जमकर पिटाई कर दी गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि रेल पुलिस ने आरोपियों को भागने में मदद की है। मेरे पति देश का सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ सुरक्षा नहीं है। कैसे, क्या हुआ था? बस हम लोग बैठे हुए थे वहाँ पर स्टेशन में, और एक वर्दी वाले थे सो कमेंट कर रहे थे मेरे तरफ देख के, तीन चार आदमी के साथ में। तो वही इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, पूछे कि यहाँ पे क्या आपको ड्यूटी है, तो बोले कि तुमको क्या, तेरा बाप के जा रहा है, क्या हुआ तुमको, क्या करना है, बोले कि पूछ रहे यहाँ पे मेरी फैमिली है, आप उधर जाके वही बात कीजिए। तो उसी बीच में पूरा उनको पटक के मारने लगे, तीन चार आदमी मिलके सब। ये भाई साहब और ये एक जगह बैठे हुए थे, ठीक है, और बगल में एक डिस्ट्रिक्ट जज है, टाटे कद के है, नाम उनका याद नहीं है, व्हाइट कलर का स्वेटर में थे, और उनके साथ एक खाकी वर्दी पहनकर थाना स्टाफ, नाम पता नहीं है, और तीन और लोग थे। इनको देख देख के बार बार उन लोग कमेंट कर रहे थे, हंस रहे थे, हंसने के बावजूद ये भाई साहब को बर्दाश्त नहीं हुआ, ये कुछ बोले, बाद में इनमें लड़ाई शुरू हो गई, बेरहमी से इनको पीटा गया। छुड़ाने के बावजूद भी हर बार दोनों साइड से झिझक हुई, बाद में यहाँ से लोग गए घिसटते हुए यहाँ लेके आए। जम्बू तवी के इस समय प्लेटफार्म पर एक आर्मी भाई बैठे हुए थे परिवार के साथ, उनके वो बता रहे हैं जैसे कि एक कोई मजिस्ट्रेट आए थे, उनके साथ बॉडीगार्ड लोग था और उनकी पत्नी बैठी हुई थी, तो वो उनके पत्नी को देख के लोग हंसी मजाक कर रहे थे, या माने पूछे घूम फिर इधर उधर कर रहे, माने आज यार कर रहे थे, खराब लगा, इन्होंने कुछ बोले, उसी पर शायद वो लोग कुछ मारपीट किए। अब ये हम अनुसंधान के अंतर्गत है कि वो कौन आदमी, कौन मजिस्ट्रेट साहब थे और कौन उनके बॉडीगार्ड थे, और इसका क्या ही जांच का विषय है, इसका हम जांच करेंगे, और जो जहां से जितना से ज्यादा सजा होगा उसको सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। आइए बढ़ते हैं क्राइम की खबरों की ओर। झारखंड में गुमला घाघरा थाना क्षेत्र के बंसरी के पास अज्ञात अपराधियों ने नोनी निवासी सचिन जायसवाल को गोली मारकर 3,500 रुपए लूट लिए और चलते बने। जानकारी के अनुसार सचिन जायसवाल घाघरा साप्ताहिक हाट में श्रृंगार का सामान बेचने का काम करता है। श्रृंगार बेचने के बाद वह घर लौट रहा था, इसी दौरान लूटपाट की नीयत से 3 अज्ञात अपराधी बंसरी के पास खड़े थे। जैसे ही सचिन अपने मोड़ पर बंसरी के पास पहुंचा तो सचिन के ऊपर गोली चला दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद अपराधियों ने उसके पैकेट में रखे 3,500 रुपए भी लेकर चलते बने। सचिन के हाथ में गोली लगी है। अपराधियों के भागने के तुरंत बाद सचिन को राहगीरों की मदद से घाघरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहाँ उसका इलाज किया जा रहा है। हम पहचानने में रोका, चाबी गाड़ी बंद किया अपना से, अब पैसा मांगा नहीं दे रहे थे तो वो लोग पहले गोली मार दिया, उसके बाद अपना हम गाड़ी गिरा तो हम खड़ा हुए तो पूरा पॉकेट चेक करके वही लोग ले गए पैसा। सचिन कुमार साहू, पिता रमेश्वर साहू, ग्राम नौनी, थाना घाघरा, जिला गुमला, ये मनिहारी का व्यवसायी है। आज बाज़ार करने के लिए घाघरा बाज़ार अपने गांव से आए थे, बाज़ार करने के बाद शाम में बाज़ार से जा रहे थे अपने घर, जैसे बंसरी के गांव के 1 किलोमीटर पहले पहुंचे तो 3 अज्ञात अपराधी जो है ना, अपने चेहरा को रुमाल से बांधे हुए थे, इनको रोके और इनसे पैसे की मांग की, ये पैसे देने में देर किए, तो एक अपराधी के हाथ में
कटा था, देसी कटा था, जिससे चला दिया जो उनके बाएं हाथ में लगा है, बाएं हाथ के बाजू में केवनी से ऊपर गोली लगी है। संदर्भ में हम लोग जो है छापेमारी कर रहे हैं। झारखंड के लातेहार जिले के बरवाडीह में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। एक तरफ पूरे जिले के मंदिरों में सुबह से ही काफी भीड़ रही, लोग मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए लाइन में लगे रहे। वहीं बहुत दूर दूर से भी लोग आकर मंदिर में पूजा अर्चना किए। वहीं दूसरी तरफ शिव विवाह की भी तैयारी चल रही थी, जहाँ पहाड़ी मंदिर में देर शाम बारात निकाली जाएगी, जिसका स्वागत थाना स्थित मंदिर में किया जाएगा और देर रात विवाह सम्पन्न कराया जाएगा। वही भक्तों की भीड़ को देखते हुए सभी शिवालयों में विशेष सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। मामूली से विवाद के कारण वर्षों से बिछड़े एक जोड़ों को न्यायालय ने मीडिएशन के सुलह समझौता कर आपस में मिला दिया। न्यायालय द्वारा किए गए फैसले से यह बिछड़े पत्नी पति के संग खुश होकर ससुराल विदा हुई। अक्सर देखा जाता है कि छोटी मोटी बातों को लेकर पति और पत्नी के बीच विवाद होता रहता है, लेकिन सुशांति को क्या पता था कि यह छोटी विवाद पूरी जिंदगी को नरकीय बना देगा और इस विवाद में पति उसे छोड़कर चला जाएगा और उसे पाने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। दरअसल झारखंड में दुमका जिले के रानेश्वर थाना क्षेत्र की रहने वाली सुशांति हेम्ब्रम की शादी 2014 में देवघर जिले के जसडीह थाना क्षेत्र के पिछड़ीवाद गांव के राजेश बास्की के साथ पूरे रीति रिवाज के साथ हुई थी, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद पति पत्नी में अनबन शुरू हो गई। धीरे धीरे अनबन इतना गहरा होता गया कि राजेश सुशांति को छोड़कर चला गया। सुशांति ने इसके लिए कई बार अपने पति को साथ रहने के लिए बहुत समझाया, मिन्नतें करती रही, लेकिन गुस्साए पति सुशांति को साथ रखने को तैयार नहीं हुआ। 3 साल से पति की कोपभाजन बनी सुशांति ने अंततः न्यायालय का सहारा लिया और पति के विरुद्ध न्यायालय में परिवादवाद मामला दायर कर न्याय की गुहार लगाई। बीच में हम लोग ठीक से रह रहे थे तो फिर बात क्या हुआ कि कोई दूसरा के बहकावे में ऐसा हुआ कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके घर में कुछ नहीं है, तो उस तरह के बहकावे से मतलब ये भी जब वहाँ गई तो अब वहाँ से नहीं रहने लगे, हम भी इसको छोड़ दिए तब नहीं रहने लगे थे। और जब फिर सब कुछ सारा चीज़ मतलब ज़िंदगी में सारा चीज़ अच्छा ही करने लगे तो फिर इसको दिमाग भले नहीं इतना सोच रही थी कि क्या कर सकता है कि नहीं कर सकता, अब देखो वो सब कुछ कर ही सकते हैं तो फिर हम लोग अलग क्यों रहेंगे, हम लोग अलग करके बिछड़ गए हैं, हम लोग साथ ही रहने से अच्छा होगा। 2013 में शादी हुआ था और 14 से अलग में थे और दूसरे के बाद से हम लोग अलग में रहे और इसीलिए हम कोर्ट आए और आज वही केस खत्म हो गया और उसके लिए हमको बहुत खुश है। माननीय नालसा के निर्देशानुसार व्यवहार न्यायालय दुमका में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था, जिसमें कुल 4 बेंचों का गठन किया गया था और हर बेंच से काफ़ी सारे मामले आए और इसमें एक पारिवारिक विवाद का भी हमने निपटारा किया, जिसमें पिछले 1 साल से दोनों दंपति अलग रह रहे थे और लड़की ने मेंटेनेंस का केस किया हुआ था और आज दोनों फिर यहां से विदा होकर के गए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें INN24 पर। नमस्कार।